हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज का न्यूज़ ये है कि हमारे घर में एसी लग रहा है। सो मैं आपको दिखाती हूँ। सो मैंने सोचा लो शेयर करती हूँ। हाँ, लग रहा है। सो ये है कंप्रेसर और एसी वहाँ लग रहा है। क्या हुआ, रोने वाली क्या बात है इसमें? सो वहाँ पे लगी थी एसी और ये दोनों को देखिए, दोनों बदमाशी कर रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे निदा इज ऑन हर ड्यूटी, कपड़े तय लगा रही है। एंड उसके बाद क्या करोगी निदा? और मेरी ड्यूटी क्या है? हाँ चलो, तो ये सारे कपड़े हो गए तय लग गए। वहाँ पे तेल वगैरह काम हो रहा है, इसलिए आपको बैकग्राउंड में इतनी आवाज़ आती होगी। निदा इसको तुम थोड़ा वो। सो गाइस, एसी वाले भैया आए हैं तो मैंने बोला कि एक दो हैंगर लगवा देने के लिए, तो भाई बोल रहे ये हमारे पर्सनल लगाने वाले नहीं है, एक किल का 20 रुपया ले लेंगे। मैंने बोला जो बहती गंगा में हाथ धो लूं मैं। कंप्रेसर कहाँ लगाया जाए वो डिसाइड किया जा रहा है। छत पर वो लोग बोल रहे छत पे लगाने के लिए, लेकिन छत में स्पेस ले लेगा तो थोड़ा हम लोग का फंक्शन वगैरह जो भी होता है तो वो उसमें दिक्कत हो जाती है। सो वही डिसाइड हो रहा है। सो मैं आ गई हूँ नीचे। ऊपर बहुत ज़्यादा ही धूप थी, वो लोग बाहर काम कर रहे, कैसे कर रहे हैं बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे तो, बट उन लोगों का ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा। नेहा पे अभी जा रही है मार्केट, सो रेडी हो रही। क्या गिरा? नेहा पे आधा लिपस्टिक लगाते लगाते दुख अपना याद कर रही थी। दुख याद ना कर रहे थे, दुख अभी मिल गया हमको, मिले पुराना दुख याद किया जा रहा था। मैं नेहा पे के पैर पे चढ़ गई थी पेन के, वही याद ताज़ा हो गया। हमारा भाई भी आ चुका है, फर्स्ट मेहमान। चलो आई करो, आई घर में गेस्ट आने भी स्टार्ट हो गए हैं। अमान आ गया है, छोटी मम्मी भी आ गई हैं। आपको बता दूं कि मैं हर ब्लॉग में बोलती थी कि कुछ स्पेशल होने वाला है, कुछ स्पेशल होने वाला है, आपको जल्द पता ही लग जाएगा, लेकिन आज मैं बता ही देती हूँ। बहुत दिनों से मैं ये बोल रही हूँ। सो नौशी की इंगेजमेंट होने वाली है। सो इंगेजमेंट है 27th को। सो तैयारियाँ चल रही है और हम लोगों ने लड़के को अंगूठी पहना दी है। हम लोग गए थे जब हम लोग कोलकाता में थे, जब मम्मी पापा गए थे तो जब इरम की इंगेजमेंट थी, सो हम लोगों की खानदान में सारी इंगेजमेंट ही अभी चल रही है। नहीं तो इमरान भाई की हुई थी, इरम की हुई थी, उसके बाद नौशे की भी हुई थी। सो अब हम लोगों ने कर दी थी, उसका व्लॉग भी है लेकिन हम लोगों ने डाला नहीं, तो मैंने सोचा था जब नौशी की होगी तब होगी। नौशी की तो ईद बाद हो ही जाती, लेकिन पोस्टपोन हो रही थी क्योंकि कुछ रीज़न हो गया था, तो अब हो रहा है। तो अब वो लोग आ रहे हैं नौशी को अंगूठी पहनाने, नौशी की इंगेजमेंट है, तो मुझे आपको बताना था। और वहाँ कोलकाता वाली ब्लॉग इंगेजमेंट जो हुई थी वो आपको देखने को जल्द मिलेगी, जब नौशी की इंगेजमेंट हो जाएगी उसके बाद आपको देखने को मिलेगी। तो उसके लिए आप सकते हैं नहीं, बाद में देंगे। क्यों, पहले दे देंगे उसको? नहीं, पहले नौशी का हम सोचे, पहले नौशी का शेयर करते उसके बाद सबको एक्साइटमेंट होगा ना देखने का, सस्पेंस। मैं सस्पेंस क्रिएट करना चाहती हूँ, पहले उनका दे दूँ। सो गाइस, आप बताइए कि पहले किसका दिया जाए, पहले नौशी की या वहाँ कोलकाता वाले की? जीजू की नहीं बोली, मतलब जीजू की या नौशे की? जीजू तो हम जीजू को बोलते हैं ना। सेकंड नंबर पे है जो अभी होने वाले, उनका भी नाम मैं रिवील कर दूंगी, सब धीरे धीरे करूंगी, सब सस्पेंस पे रखूंगी। आप लोगों को थोड़ा मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा ये सब रिवील करने में। सो अभी तो नेहा भी मार्केट जा रही हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए, मुझे छोड़ के अकेले। मैं बोल रही हूँ कि मुझे भी लेकर चलो, बट नेहा भी ने बोला तुम घर में रहो, घर का काम करो। ठीक है, ठीक है, बट मुझे बाहर जाना आजकल पसंद आ रहा है। हाँ, धूप तो है ही है। और सोना यहाँ पे जेम्स खा रही है, बहुत ही ज्यादा बदमाशी कर रही है। पापा क्या? उसके पापा है तुम्हारे जीजू। हाँ, पापा है तुम्हारे पापा, मेरे जीजू भी लगते हैं। ओके, मेरा भी उनसे एक रिश्ता है, तुमसे पहले का रिश्ता है।
तुम्हारा भी रिश्ता है क्या? तो ठीक है, मैं यहीं पे अभी एंड कर रही हूँ और आगे बहुत सारी तैयारियाँ बाकी है जो मैं आपसे धीरे धीरे शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। बहुत वजन है। देखिए इसको हर वक्त बदमाशी। शूज पहन के आओ, ठीक है? हाँ, शूज पहन। गेट लॉक करो, स्लिप कर रही है। गेट लॉक करो। एसी चेक किया जा रहा है गाइस, एसी लग चुका है। तो फाइनल अभी चेक किया जा रहा है। हाँ आ रहा है। रूम गर्म है आपका यार, तो ठंड अभी थोड़ा टाइम लगेगा ना, अभी विंडो भी ओपन है। कैसे जुगाड़ करके अभी लगाया गया है। अभी न्यू वायरिंग होगी उसके हिसाब से। सो गाइस, पंडाल लगना भी स्टार्ट हो गया है। बारिश की वजह से काफ़ी मौसम अच्छा हो गया है और देखिए सूरज कितना प्यारा लग रहा है। सो अब चलते हैं नीचे, नीचे देखते हैं क्या हो रहा है। ग्रोसरी भी आ गई है गाइस और यहाँ पे ग्रोसरी चेक किया जा रहा है और आखिर यहाँ लिस्ट लेके मैच कर रहा है कि क्या है क्या नहीं है। एंड ग्रोसरी से याद आया गाइस कि हम लोगों के साथ एक ये स्कैम हो गया। पता नहीं कैसा ज़माना आ गया है। बड़ा ही हंसी वाला बात है लेकिन मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जैसे हम लोग का जो पर्सनल मोदी वाले हैं अंकल, तो उनके यहाँ से किसी ने पापा के नेम से सामान लेकर चले गए हैं और बोले हैं कि नौशाद जी ने, मेरे पापा का नेम है, तो उन्होंने मंगाया है और उन्होंने दे दिया कि पापा का नेम लिया तो उन्होंने दे दिया कि उन्होंने मंगाया होगा। पापा पहले एक दिन जा चुके थे कि हाँ चाहिए, तो और कल अंकल गया था तब शॉप आने के लिए ग्रोसरी, तो बोला कि वो तो चला गया आपका सामान। तो हम लोगों ने बोला कहाँ से चला गया, कैसे चला गया, तो फिर पता चला कि कोई और लेकर चला गया पापा के नेम से 40 किलो 20 किलो प्याज 20 किलो आलू लेकर चला गया पापा के नेम से। ये सब सुन के भी कैसा ज़माना आ गया। हम लोग भी शौक हैं, हम मोदी भी शौक हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो ये शेयर करना था आपसे। और यहाँ पर्दे लगने वाले हैं तो उनके लिए मेजरमेंट लिया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए अमान को, और एसी लग चुकी है गाइस लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं थी जिनकी वजह से एसी स्टार्ट नहीं हो पाती थी। तो उन्होंने बताया था कुछ, वो लाया अखिल और अमान ने। दुल्हन अपनी इंगेजमेंट की खुद तैयारी कर रही है, यहाँ पे मसाले पीस रही है और उसने क्या दिमाग लगाया है देख लिए। ब्लैक पॉली में रखा रहा था सब सामान तो मिक्स ना हो जाए, तो उसमें लिख दिया है नेम और चिपका दिया ताकि प्रॉब्लम ना हो उस वक्त। और यहाँ पे ये तीनों क्या करें मैं आपको बता दूँ, तो आपको पता ही है कि हमारे यहाँ एसी लग गया है, तो हमारे यहाँ वेंटिलेटर भी बहुत ज़्यादा है, तो इस रूम में बहुत ज़्यादा वेंटिलेटर थी, तो इसे पैक करने के लिए कार्डबोर्ड लगाया जा रहा है क्योंकि अभी वक्त नहीं है कि अच्छे तरीके से उसे पैक किया जाए। तो फिलहाल जुगाड़ किया जा रहा है, तो यही काम हो रहा है यहाँ पर। अमान भी यहाँ पर गवाह बना हुआ है, बहुत ही सीरियस होकर काम किया जा रहा है। तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही है गाइस, सब जगह कहीं ना कहीं काम चल ही रहा है। तो गाइस रात काफ़ी हो चुकी है, हम लोगों ने डिनर कर लिया, 11:30 हो रहा और पैर और हाथ ने जवाब दे दिया काम कर कर के। और कल ढेर सारे काम है, सिर्फ एक दिन बचा है और परसों मंगनी है। सो कल का दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है, तो देखते हैं कल ब्लॉग बना पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि बहुत सारा काम है। मेन कल प्रिपरेशन होंगी इंगेजमेंट की जो सब होने वाली है,
सो वो भी मैं आपसे शेयर करूँ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं कल आपसे नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर।